राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार की जन्मोत्सव एवं वर्ष प्रतिपदा उत्सव कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत संचालक डॉक्टर प्रदीप दुबे ने कहा कि आज का जो समय है वह उछाल मार कर आगे बढ़ने का है। डॉक्टर हेडगेवार जी का कहना था कि जब विपरीत समय हो तब एक स्थान पर डटे रहे और जैसे ही अनुकूल समय पर उछाल आए और आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आज नई ऊंचाइयां छू ली हैं। 1925 में डॉक्टर हेडगेवार द्वारा शुरू किया गया यह छोटा सा पौधा आज विशाल वट वृक्ष बन गया है। प्रांत संचालक ने अपने बौद्धिक में कहा कि यह समय घर में बैठने का नहीं है। उन्होंने गुरु गोलवरकर जी का उदाहरण देते हुए कहा कि वे कहा करते थे कि एक घंटा का समय शाखा के लिए और बाकी 23 घंटे समाज के लिए मिलाकर काम करने में व्यतीत करना है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर हेडगेवार ने परम पूज्य भगवा ध्वज को गुरु मानकर संघ की स्थापना ताकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर किसी का प्रभाव ना पड़े। उन्होंने कहा कि संघ के स्वयंसेवक वर्ष में एक वर्ष भगवा ध्वज के समक्ष जो समर्पण करते हैं उसी से संघ की वर्ष भर की गतिविधियां संचालित होती हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में आदि सर संचालक को प्रणाम हुआ जिसमें संघ के स्वयंसेवक पूर्ण गणवेश में शामिल हुए और संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार को संस्मरण करते हुए आदि सर संचालक को प्रणाम किया। इसके बाद ध्वजारोहण हुआ और कार्यक्रम की शुरुआत हुई। वर्ष प्रतिपदा उत्सव के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केशव चौधरी रहे। मंच पर नगर संचालक एडवोकेट सुरेश जेठानी भी मौजूद रहे। मुख्य शिक्षक की भूमिका ओम प्रकाश जी ने निभाई। नगर कार्यवाहक सौरभ कटारे ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में जिला संचालक सरदार जसबीर सिंह सहित संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी तथा अनुसांगिक संगठनों के मुख्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। यह कार्यक्रम पांडव नगर सरस्वती शिशु मंदिर प्रांगण में आयोजित किया गया। इस तरह से जब हम अपने नागरिकों को इन मूल्यों के लिए प्रशिक्षित करेंगे कि स्वयं से पहले देश, सामूहिक अनुशासन और एक संगठित समाज ऐसा जिसमें ना जात पात का भेद हो, ना जिसमें अमीर गरीब का भेद हो, ना जिसमें शिक्षित अशिक्षित का भेद हो, तब एक शक्तिशाली देश बनेगा।